टू माय चैनल। हमने दूसरे वीडियो में सीखे थे कैसे यूट्यूब चैनल बनाए, ठीक है फ्रेंड। आज के वीडियो में हम सीखेंगे यूट्यूब पर वीडियो सही तरह से कैसे अपलोड देते हैं, ठीक है। तो सिंपली ज़्यादा देरी किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, सिंपली यूट्यूब को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे प्लस का जो आइकन बना है, यहाँ पे प्लस का जो आइकन है यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो अपलोड वीडियो लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे सिंपली हमें क्लिक करना है, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जब फर्स्ट यूट्यूब चैनल ओपन किए हो तो यहाँ पे आपका अलाउ एक्सेस मांगेगा है। तो सिंपली मैं यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद यहाँ पे सारा आपका जितना भी डाउनलोड हुआ है, वीडियो बनाए हैं आप, तो आपका वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे इस वीडियो को ले लेता हूँ। लेने के बाद यहाँ पे कोने पे जो ऑप्शन है नेक्स्ट का, नेक्स्ट हम कर देते हैं। इसको मैं अपलोड देने का तरीका आप देख लो फ्रेंड, आप ऐसे ही अपलोड देना। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपका थंबनेल नहीं है, यहाँ पे टाइटल भी नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टैग पैग कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप यूट्यूब पर जब भी वीडियो डालोगे ना, अपलोड दोगे, तो मैं जैसा ऐसा स्टेप फॉलो कराऊँ गाइस, आप ऐसा स्टेप फॉलो कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जो पब्लिश लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जो पब्लिश लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिश को अनलिस्टेड मोड में रखना है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है यहाँ पे दिया है, तीन ऑप्शन। तो आपको प्राइवेट मोड भी रख सकते हो, पब्लिश भी रख सकते हो और अनलिस्टेड मोड भी रख सकते हो। यहाँ पे दिया है तीनों ऑप्शन। तो आपको जब भी यूट्यूब पर अपलोड देना है वीडियो, तो उसका थंबनेल नहीं है, टाइटल नहीं है, टैग नहीं है, तो इसको पब्लिश मत करना। पब्लिश करोगे तो आपके नोटिफिकेशन चला जाएगा आपके सब्सक्राइबर के पास, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे अनलिस्टेड मोड, ठीक है, अनलिस्टेड मोड करके यहाँ पे इसको अपलोड देना है, ठीक है। तो बैक चले आना है, अनलिस्टेड मोड हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। हमें वाइट स्टूडियो पे काम करेंगे इसका सारा, ठीक है। तो यहाँ पे अनलिस्टेड मोड करके यहाँ पे यूट्यूब पर अपलोड दे दीजिए वीडियो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपलोड दे देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे किड्स का कोई देखता नहीं, यहाँ पे नो किड्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो नीचे आपका अपलोड चल रहा है लाइब्रेरी, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आपका वीडियो डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, डाउनलोड होने तक हमें वेट करना है, ठीक है। वेट करने के बाद हमें क्या करेंगे, हमें चलेंगे वाइट स्टूडियो पे, ठीक है। वाइट स्टूडियो पे इसका वीडियो का हम थंबनेल वगैरह सब चेंज करेंगे, ठीक है। अगर आप आ चुके हैं हम वाइट स्टूडियो पर, ठीक है, तो सिंपली हमें वाइट स्टूडियो को ओपन कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। ओपन करने के बाद हमारा वीडियो जो अपलोड किया था तो वो आ जाएगा हमारे सामने, देख सकते हो फ्रेंड, वो वीडियो हमारे सामने आ चुका है। तो हमें सिंपली कुछ भी नहीं करना, उस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है हमें, ठीक है फ्रेंड। तो क्लिक करने के बाद वहाँ पे हमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड उसका थंबनेल हमें लगाएंगे, ठीक है। तो सिंपली हमें वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करके हम देखते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो हमारा वीडियो के ऊपर आ चुके हैं। आने के बाद यहाँ पे और एक काम करना है फ्रेंड, यहाँ पे जो पेंसिल का ऑप्शन है वहाँ पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो हमारा वीडियो का जो टाइटल मैं लिख दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे थंबनेल अगर चेंज करना है तो वहाँ पे पेन का निशान के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। फिर एक बार क्लिक करने के टाइम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको तीनों थंबनेल दिखाई देंगे, ठीक है। तो वो दूसरा जो एक थंबनेल आप लगाना चाहते हो वो ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आप वीडियो अपलोड दे रहे हो, तो इसलिए ये ऑप्शन आप पे शो नहीं करेगा। सिंपली यहाँ से जो तीनों ऑप्शन है यहाँ पे आप एक कुछ लगा सकते हो, ठीक है। लगाने के बाद यहाँ पे हमें सिंपली कुछ भी नहीं करना, तो सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, हम सिलेक्ट कर चुके हैं अभी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एडवांस सेटिंग है, एक एडवांस सेटिंग के ऊपर जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे कैटेगरी लिखा है फ्रेंड, सब फर्स्ट में कैटेगरी लिखा है। तो आपको कैटेगरी, आप किसके बारे में वीडियो बना रहे हो, गेमिंग हो गया, फैशन हो गया, जिम के रिलेटेड हो गया, म्यूजिक हो गया, तो आप जिस कैटेगरी पे वीडियो बनाते हो तो यहाँ पे आप उसी कैटेगरी को आप चूज करना है, ठीक है। चूज कर लेता हूँ मैं सिंपली
मैं साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाता हूँ, तो इसको मैं टिक कर देता हूँ। अभी टिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा कैटेगरी है, यहाँ पे टिक कर चुका हूँ। अभी टिक करने के बाद यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। तो सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेरा भी अभी भी अनलिस्टेड मोड पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन और टाइटल यहाँ पे लिखना है, कहाँ से अलाओगे ये कीवर्ड, आपके वीडियो जिस टाइप टॉपिक के ऊपर है उसी टॉपिक के ऊपर यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं डाल चुका हूँ। अभी डालने के बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अभी हम देखें तो यहाँ पे हमें टाइटल यहाँ पे देखिए फ्रेंड पब्लिश कर देना है, ठीक है। पब्लिश करके इसको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करके इसको सेव कर देना है। तो आपका ये जो वीडियो अपलोड हुआ है ये सबके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अभी मैं अपलोड कर दिया हूँ, अभी मेरा सारा नोटिफिकेशन ऑन हो चुका है। अभी जो कोई भी मेरा वीडियो को देख सकता है अभी फ्रेंड, ठीक है। तो आप सिंपली मैं जैसा स्टेप फॉलो किया हूँ आप ऐसा स्टेप फॉलो कीजिए, आप बहुत